तो आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज एक ऐसी चंक के ऊपर जो रैंडम लेयर्स से बना है। बट ट्विस्ट ये है कि इस चंक की लेयर्स हर रोज चेंज होती रहती हैं, जिसका मतलब है कि अगर मैं अभी टॉप लेयर माइंड कर रहा हूँ तो अगले ही पल वो किसी भी ब्लॉक की लेयर बन सकती है। हो सकता है नेदरराइट की बन जाए, या फिर गोल्ड ब्लॉक्स की लेयर भी बन सकती है, या फिर बेडरॉक की भी बन सकती है, जिसका मतलब है कि हम लोग आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते। इस चंक के अंदर छुपी है बहुत सारी मिस्ट्रीज, जैसे कि बहुत सारे हिडन विलेजेस, स्पॉनर्स, और गाइस चंक की लास्ट लेयर पे एक एंड पोर्टल जिसको एक्टिवेट कर हम लोग को जाना है एंड डायमेंशन के अंदर और बीट करना है एंडर ड्रैगन को। एंड गाइस इस वर्ल्ड के अंदर नेदर भी सिंगल चंक का बना हुआ है, और उसी के अंदर नेदर फोर्ट्रेस भी है और बैस्टियन भी है, जिसको बीट करने में बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एक सिंगल चंक से मैंने इतना बड़ा एम्पायर कैसा बनाया और सारे के सारे बीकन्स कैसे बनाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस डे 1 शुरू हो चुका है और मैं स्पॉन हो चुका हूं एक ऐसे चंक के ऊपर जिसकी लेयर्स हर रोज चेंज होती रहती हैं और जो बहुत सारी रैंडम लेयर्स से बना हुआ है। मेरे पीछे 3 टाइप की ट्रीज मुझे नजर आ रही हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे टाइप की वुड्स होने वाली है इस वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पर कुछ मॉब्स भी स्पॉन हो चुकी हैं। सामने की तरफ मुझे एक काउ भी नजर आ रही है, और गाइस जैसा कि हम लोग हर हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले करते हैं, हम लोग को इसके अंदर भी वुड कलेक्ट करनी पड़ेगी। जल्दी से मैं बहुत सारी वुड कलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद मेरे को सैपलिंग्स मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही तेजी से इस वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रेस कर पाएंगे। अभी गाइस वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने वुड की कुछ बेसिक टूल्स बना ली, जैसे कि एक पिकैक्स, और उसके साथ में मैंने एक शवल बना लिया, क्योंकि पहली लेयर यहाँ पर डर्ट और ग्रास ब्लॉक्स की है, जिसे हमें ब्रेक करने के लिए शवल की जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर पहली सैपलिंग मेरे को मिल चुकी है, जो कि ओक की सैपलिंग है, और दूसरी सैपलिंग भी मिल चुकी है, और गाइस मेरे पास टोटल 3 सैपलिंग्स हो गई थी। सीरियसली यार, सैपलिंग्स के ड्रॉप बहुत ज़्यादा ऑसम है इस वर्ल्ड के अंदर, और एक और सैपलिंग सामने गिर चुकी है। इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत ही जल्द बहुत सारी वुड इकट्ठा हो जाने वाली है। लेकिन गाइस हम लोग को जल्दी काम करना होगा, क्योंकि अगर टॉप लेयर बेडरॉक के अंदर कन्वर्ट हो गई तो हम लोग बिल्कुल भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सो गाइस अब टाइम था जल्दी से देखने का कि अगली लेयर हम लोग को इस वर्ल्ड के अंदर कौन सी मिलने वाली है। एंड गाइस सीरियसली, जैसे ही मैंने नेक्स्ट लेयर माइन करी, यहां पर वो बेडरॉक की लेयर है। कुछ भी हद है यार, मतलब ये देखकर मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि अब हम लोग को वेट करना पड़ेगा इस बेडरॉक लेयर का किसी और ब्लॉक की लेयर के अंदर कन्वर्ट होने का। और गाइस तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से बहुत सारे सीड्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को फूड की तो जरूरत पड़ने वाली है इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे फूड की। तो मैंने यहाँ से सीड्स माइन करने शुरू कर दिए थे, और फाइनली एक छोटा सा वीट फार्म मैं सेटअप करने वाला हूँ। सो गाइस अभी मैंने अपने वर्ल्ड की प्रोग्रेस स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, और आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा टाइम लैप्स के अंदर सेकंड वाली लेयर हो चुकी है हमारी चेंज और कन्वर्ट हो चुकी है डायमंड ब्लॉक्स के अंदर। और गाइस उसे माइन करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग डायमंड्स को माइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वुड की पिकैक्स है, उसके लिए हमें आयरन की पिकैक्स की जरूरत पड़ने वाली है। सो गाइस अपने वन चंक वर्ल्ड की स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया हुई है, यहाँ पर मेरे को डिसेंट अमाउंट में सैपलिंग्स भी मिल गई है, और काफी सारी वुड भी जमा हो गई है मेरे पास में, और काफी सारे मटेरियल्स गैदर कर लिए मैंने। अभी गाइस नेक्स्ट लेयर हमारी अनलॉक हो चुकी है, मतलब बेडरॉक से बदलकर डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अभी मेरे को फटाफट से माइन करना है और देखना है कि इसके बाद वाली लेयर कौन से ब्लॉक्स की है। तो गाइस जल्दी से मैं डायमंड को माइन कर लेता हूं, अभी इसके अंदर लगने वाला है बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि हम लोग बेसिक वुड की पिकैक्सेस को माइन कर रहे हैं। एंड गाइस थर्ड लेयर देखने के बाद ना मैं इतना खुश हो गया था ना, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि थर्ड लेयर थी यहाँ पर बोन ब्लॉक्स की। और गाइस बोन ब्लॉक्स का मतलब है कि हम लोग अपने सारे क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग बहुत सारी वुड कलेक्ट कर सकते थे, इसीलिए मैंने फटाफट से बाकी के डायमंड ब्लॉक्स को यहाँ से निकालना शुरू किया, जिससे कि मैं इजिली काफी सारे बोन ब्लॉक्स को माइन कर पाऊँ। और इसके बाद गाइस मैंने माइन करना शुरू कर दिया बहुत सारे बोन ब्लॉक्स को। और गाइस बोन ब्लॉक्स के नीचे वाली लेयर थी यहाँ पर स्टोन ब्लॉक्स की, जिसका मतलब है अब हम रेडी हैं एकदम से स्टोन एज के अंदर जाने के लिए। गाइस बोन ब्लॉक्स माइन करने के बाद मैंने काफी सारा स्टोन माइन करना शुरू कर दिया, और स्टोन की लेयर जैसी मैंने माइन करी, मेरे को मिला एक और बहुत ऑसम सरप्राइज। यहाँ पर मुझे कोल मिल चुका है, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम बात है। अब हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स को स्मेल्ट कर सकते हैं, और गाइस टॉर्चेस बना सकते हैं, और अपने पूरे के पूरे चंक को लाइट कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पर रात हो चुकी थी, बट हमारा प्रोग्रेस बिल्कुल रुकने वाला नहीं था। मैंने बोन ब्लॉक्स का यूज करके फटाफट से यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था, और ये प्रोसेस मैं कई बार रिपीट करने वाला था, जिससे मेरे पास इनफ अमाउंट में यहाँ पर वीट इकट्ठा हो जाए, और मैं लगातार वीट को ग्रो करने में लगा हुआ था, उसे कलेक्ट करने में लगा हुआ था। और गाइस यहाँ पर मेरे पास काफी सारा वीट इकट्ठा हो जाने के बाद मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया ब्रेड के अंदर, जिसका मतलब है हमारे पास अब इस वर्ल्ड के अंदर फूड आ चुका है, तो हमारी फूड की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। और अभी टाइम था अपने लिए स्टोन की टूल्स बनाने का, तो मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक स्टोन की टूल्स भी बना ली। और गाइस अब टाइम था दबा के माइनिंग करने का, इससे पहले कि ये सारे के सारे ब्लॉक्स की लेयर किसी और घटिया से ब्लॉक के अंदर चेंज हो जाए, जैसे कि बेडरॉक या फिर सैंड या फिर डर्ट। इससे पहले मैं सारे के सारे बोन ब्लॉक्स को माइन करने वाला था, क्योंकि बिल्कुल भरोसा नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर कोई सी भी लेयर कभी भी चेंज हो सकती है। और यहाँ पर मौसम भी ऊपर काफी खराब हो चुका था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और गाइस अगले कुछ दिन जब मैं कोल की माइनिंग कर रहा था, यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस ही नहीं करी, सीरियसली बहुत खतरनाक चीज हुई है। मेरे पीछे 2 लेयर्स जो बची हुई थी, जितने भी ब्लॉक्स उनके बचे हुए थे, वो सारे चेंज हो चुके हैं एमरल्ड ब्लॉक्स के अंदर और नेदरराइट ब्लॉक्स के अंदर। पैसा ही पैसा होगा।
सीरियसली गाइज ये दोनों लेयर्स नए ब्लॉक्स के अंदर चेंज हो चुकी थी। अगर पूरी की पूरी बची होती तो सारे ब्लॉक्स हमारे नेदराइट के अंदर बदल गए होते। अब यहाँ पर एंड की लेयर्स जो है वो बची हुई है, वो चेंज नहीं हुई थी। पता नहीं क्या थोड़ा सा ग्लिच हो रहा था इस वर्ल्ड के अंदर, कोडिंग सही से नहीं हुई है पता नहीं क्या। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम कोई सा भी ब्लॉक माइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ बेसिक स्टोन की टूल्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि नीचे यहाँ पर आइस के ब्लॉक्स हैं, जिसका मतलब है हमारी वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और हम लोग को भर भरकर पानी मिल चुका है। सो गाइज अभी यहाँ पर मैं कोल वाली लेयर को माइन ही कर रहा था, तभी यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो चुकी है। कोल वाली लेयर माइन करते करते बीच में लेयर फिर से चेंज हो चुकी है और यहाँ पर कॉग वेब्स की लेयर बन चुकी है। इसे देखकर मेरे को खुशी भी हो रही थी और काफी गुस्सा भी आ रहा था कि कोल हम लोग ज्यादा माइन नहीं कर पाए, लेकिन अब हम लोग बेड बना सकते थे क्योंकि थ्रेड से हम लोग वूल क्राफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली हम लोग बेड बना पाएंगे। तो इसलिए मैंने काफी सारा थ्रेड यहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी एनिमल्स के लिए कोई पेन वगैरह बनाना पड़ेगा ऊपर की तरफ अच्छा सा, क्योंकि यहाँ पर काओ पिग और शीप सीरियसली सारे के सारे एनिमल्स नीचे आ चुके हैं और दोनों पिक फंसे हुए हैं यहाँ पर कॉक वेब्स के अंदर। एनीवे गाइस यहाँ पर मैंने वूल क्राफ्ट कर लिए बहुत सारी, फटाफट से अपने लिए एक बेड क्राफ्ट कर लेते हैं और बेड क्राफ्ट करने के बाद हमारी डे एंड नाइट साइकिल हो जाएगी बहुत ज्यादा ऑसम। हम लोग इजीली सो पाएंगे इस वर्ल्ड के अंदर और प्रोग्रेस भी हो जाएगा काफी ज्यादा तेज। सो अभी गाइस यहाँ पर आइस वाली लेयर आ चुकी है तो फटाफट से मैं इसे वाटर ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको हमें खाली ब्रेक करना होता है एंड फाइनली हम लोग को आयरन भी मिल चुका है, जिसका मतलब है कि अब हम लोग ऊपर वाला जो डायमंड और एमरल्ड के ब्लॉक्स थे वो माइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम बात है। और यहाँ पर मैंने आयरन माइन करना शुरू कर दिया है, ऊपर से माइन कर रहा हूँ मैं जिससे कि माइनिंग फटीक ना मिले मेरे को। नीचे जाकर अगर माइन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा स्लो माइनिंग होने वाली है। सो अभी गाइस फटाफट से मैं पूरी की पूरी आयरन की लेयर को माइन कर लेता हूँ। अगर मैंने माइन नहीं करी और टाइम वेस्ट कर दिया तो पूरी की पूरी आयरन की लेयर किसी और ब्लॉक के अंदर चेंज हो जाएगी, जो कि बहुत बेकार भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं इसको जल्दी से माइन कर लेता हूँ और माइनिंग करने के बाद बड़ी मुश्किल से इन एनिमल्स को मैं ऊपर लेकर आया हूँ। यहाँ पर रात हो चुकी है, फटाफट से पहले सो जाते हैं, अगले दिन हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइस फाइनली मैंने आयरन की लेयर माइन कर निकाल ली है और उसे स्मेल्ट करने भी रख दिया है। यहाँ पर काफी सारा आयरन स्मेल्ट हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत सारा आयरन यहाँ पर मैंने स्मेल्ट कर लिया है। अब गाइस अपने पास काफी सारा आयरन आ चुका है, जिसका मतलब है कि हम लोग अपने लिए आयरन आर्मर बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वाटर बकेट्स भी निकाल कर रखी है और बोन ब्लॉक्स भी काफी सारे मेरे पास इकट्ठा हो गए थे, तो फटाफट से आयरन कलेक्ट करते हैं और चलते हैं और जल्दी से बना लेते हैं अपने लिए कंप्लीट आयरन आर्मर सेट। तो गाइस जल्दी से मैं पूरा का पूरा आयरन का आर्मर सेट बना लेता हूँ एंड फाइनली अब हम लोग मॉब से फाइट लेने के लिए एकदम रेडी है। एंड अभी गाइस टाइम आ चुका है अपने चंक को एक्सपैंड करने का, क्योंकि अपने चंक के ऊपर काफी कम स्पेस है, तो इसलिए मैं इसको चारों तरफ से एक्सपैंड कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं 4-5 ब्लॉक से इस चंक को एक्सपैंड करने वाला हूं, पूरा बॉर्डर बनाने वाला हूं इस चंक का। और गाइस उसी के साथ हम लोग यहां पर काफी सारी ट्रीज की फार्मिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा चंक काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। एंड फाइनली गाइज हमारे पास आयरन की पिकैक्स आ चुकी है, जिसका मतलब है कि सेकंड लेयर जो पहले बेडरॉक की थी और अब बन चुकी है डायमंड, अब हम कर सकते हैं उसे माइन और हमारे पास आ जाने वाले हैं बहुत सारे डायमंड्स। गाइज अभी इस वर्ल्ड को स्टार्ट करे हुए थोड़ा सा ही टाइम हुआ है और सीरियसली हमारे पास फुल डायमंड का आर्मर सेट आने वाला है और डायमंड का टूल सेट भी आने वाला है। इतने सारे डायमंड ब्लॉक्स में माइन करने वाला हूं कि हम लोग के पास डायमंड की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। तो फटाफट से मैं पूरी की पूरी डायमंड लेयर को माइन कर लेता हूं। अभी गाइस डायमंड ब्लॉक्स को माइन करना बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था और मैंने सोचा क्यों ना मैं एमरल्ड ब्लॉक्स को भी माइन कर ही लेता हूं, जो कि थर्ड लेयर कन्वर्ट हुई थी एमरल्ड ब्लॉक्स के अंदर। पहले ये बोन मील के ब्लॉक्स हुआ करते थे अगर आप लोग को ध्यान, और ये एमरल्ड के ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। तो गाइस यहां से मैंने एमरल्ड के ब्लॉक्स को भी माइन करना शुरू कर दिया है। एंड अभी गाइस कुछ ही देर में हम लोग नीचे जो विलेज है इस चंक के अंदर वहां पर पहुंच जाने वाले हैं और विलेजर्स के साथ में ट्रेडिंग करने में एमरल्ड ब्लॉक्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। हम लोग भर भर के उनसे एंचांटमेंट्स और ऑसम स्टफ लेने वाले हैं। और फाइनली गाइस इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा अचीवमेंट पहला वाला कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास 3 स्टैक्स से भी ज्यादा डायमंड ब्लॉक्स आ चुके हैं, जिसका मतलब है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर डायमंड की तो कमी हमारे पास बिल्कुल नहीं आने वाली है और होपफुली हम लोग डायमंड का बीकन भी बना पाएंगे। अब इसी के साथ दिन खत्म होने से पहले मैंने सोचा क्यों ना कंप्लीट डायमंड का आर्मर सेट बना लिया जाए। तो मैंने 4 डायमंड के ब्लॉक को पूरा कन्वर्ट करा डायमंड्स के अंदर और फटाफट से कंप्लीट डायमंड का आर्मर सेट बना लिया। अभी गाइस डायमंड के आर्मर सेट के साथ साथ मैं कुछ डायमंड की टूल्स भी बनाने वाला हूं। और गाइस ये टेगाड्रॉन चैनल पर अब तक का शायद फास्टेस्ट डायमंड का आर्मर सेट होगा, क्योंकि किसी भी वर्ल्ड के अंदर हमने इतनी जल्दी डायमंड का कंप्लीट आर्मर सेट और टूल्स का सेट बिल्कुल नहीं बनाया है। और गाइस एक बार फिर से वही हुआ जिसका मेरे को बहुत ज्यादा डर था। फाइनली यहाँ पर आयरन ब्लॉक्स की नीचे वाली लेयर कन्वर्ट हो चुकी है डर्ट ब्लॉक्स के अंदर, तो फटाफट से मेरे को ये माइन करने पड़ेंगे। बट गाइज वेट वेट वेट, जैसे ही मैंने डर्ट के ब्लॉक्स माइन करे ना, मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया ना कि मैं बता नहीं सकता। पूरे की पूरी लेयर नेदराइट ब्लॉक्स की लेयर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। माय गॉड यार ये बहुत ज्यादा ऑसम बात है। अभी हमारे पास यहाँ पर डायमंड की पिकैक्स आ चुकी है, जिसका मतलब है कि अब हम नेदराइट के ब्लॉक्स को माइन कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि गाइज हमारे पास नेदराइट भी आ चुका है और हम कंप्लीट नेदराइट का आर्मर सेट बना सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ऑसम बात थी। मैंने नेदराइट के ब्लॉक माइन करने शुरू कर दिए हैं और गाइज फटाफट से मैं इस पूरी लेयर को माइन करने की कोशिश करूंगा, इससे पहले कि किसी और ब्लॉक की लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और अभी गाइज सीरियसली मैं सारे के सारे आइटम्स को सॉर्ट करने गया था कि यहाँ पर सीरियसली एक बार फिर से मेरे साथ स्कैम हो चुका है। जितने नेदराइट ब्लॉक की लेयर थी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो चुकी है क्राफ्टिंग टेबल्स के अंदर। सीरियसली यार मैं क्राफ्टिंग टेबल्स का क्या ही करूंगा। और यहां पर डर्ट ब्लॉक्स वाली लेयर वैसी की वैसी है, मतलब यार डर्ट ब्लॉक्स वाली लेयर कन्वर्ट नहीं हुई और नेदराइट ब्लॉक्स की लेयर गायब हो चुकी है। ये देखकर मेरे को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था।
आगे स्वाद। बट फिलहाल गाइस अब टाइम आ चुका है अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा ऑसम मॉब ग्राइंडर बनाने का, क्योंकि हम लोग को गन पाउडर जैसे रिसोर्सेज की काफी जरूरत पड़ने वाली है। तो फटाफट से एक ऑसम सा मॉब फार्म बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस मॉब फार्म बनाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉबलस्टोन का यूज नहीं करने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं स्प्रूस वुड का और ओक वुड का, क्योंकि हमारे पास कॉबलस्टोन बहुत ज्यादा कम है और अभी लावा भी नहीं है और हम लोग कॉबलस्टोन जनरेटर भी नहीं बना सकते। इसलिए मैंने यहां पर काफी सारी वुड की फार्मिंग करनी शुरू कर दी थी। थोड़ी सी वुड मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी जो मैंने पहले फार्म की थी, लेकिन अभी फटाफट से और वुड फार्म करने के बाद मैंने अपना ऑसम मॉब ग्राइंडर बनाना शुरू कर दिया। फाइनली हमारा मॉब ग्राइंडर बनकर रेडी हो चुका है। मेरे पीछे आप जायंट सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो हमारा मॉब ग्राइंडर, और पीछे मेरे काफी सारी मॉब्स भी स्पॉन हो चुके हैं क्योंकि मैं लाइटिंग करना भूल गया था वहां पर। यहाँ पर देखो सीरियसली यार कितने स्केलेटन स्पॉन हो चुके हैं। ये लोग आपस में लड़ रहे थे लेकिन पहले मैंने इनको मार दिया। कोई बात नहीं, इनको पहले निपटाना पड़ेगा। अब फटाफट से स्केलेटन को मैं निपटा देता हूं, उसके बाद आप लोग को मैं दिखा देने वाला हूं कि हमारा फार्म आखिर काम कैसे करता है। यहां पर देखो सारी की सारी मॉब्स इकट्ठा होती है, उन लोग को हमें खाली वन शॉट करना है क्योंकि 21 ब्लॉक से ड्रॉप होने के बाद इनकी हेल्थ वैसे ही काफी कम हो जाती है। और अभी गाइस टाइम आ चुका है फटाफट से अपने चंक की और लेयर्स को रिवील करने का। हो सकता है यहाँ पर हमारे लिए और भी सरप्राइजेस बचे हों, बहुत सारी मिस्ट्रीज है इस चंक के अंदर। अभी यहाँ पर सैंड वाला फेज शुरू हो चुका है, यहाँ पर सैंड है सबसे पहले, उसके बाद सैंडस्टोन है और उसके बाद माइन करने पर हमें पता लगेगा अगली लेयर क्या होने वाली है। एनीवे फिलहाल मैं फटाफट सैंड काफी सारी माइन कर लेता हूं। अभी गाइस जब मैंने सैंडस्टोन वाली लेयर को माइन करा तो मुझे पता लगा कि नीचे वाली लेयर के अंदर एक बार फिर से कॉग वेब्स हैं। अभी गाइस कॉग वेब्स को माइन करने में ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि ये लोग प्लेयर को अटका लेते हैं। सीरियसली यार आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैं कॉग वेब्स के अंदर गया मैं हिल ही नहीं पा रहा हूं अपनी जगह से। अभी इस पूरी लेयर को माइन करना पड़ेगा मेरे को मेरी स्वॉर्ड से, उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है। 1 week later एंड गाइज एक बार फिर से यहाँ पर मुझे सरप्राइज मिल चुका है। अभी मैं पूरे कॉग वेब्स माइन कर भी नहीं पाया था कि उसके नीचे वाली सैंड की लेयर कन्वर्ट हो चुकी है बेल्स के अंदर। सीरियसली यार विलेज की बेल्स हैं, मतलब एक बेल ही काफी होती है और यहाँ पर भर भर के हम लोग को बेल मिल चुकी है। तो फटाफट से गाइज यहाँ से बचा हुआ मैं वेब निकाल लेता हूँ, उसके बाद मेरे को काफी सारी बेल्स माइन करनी है। एंड गाइज बेल्स वाली घटिया लेयर माइन करने के बाद हम लोग एंटर कर चुके हैं नेक्स्ट फेज के अंदर। मैंने वाला पार्ट स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि उसके अंदर सीरियसली कुछ भी नहीं था और उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगा। मेरे को क्ले वगैरह मिल चुकी है यहाँ पर, काफी सारी ग्रेवल भी मिल चुकी है। एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं कॉपर वाले फेज के अंदर। यहाँ पर अब हम लोग को भर भर कर कॉपर मिलने वाला है। इसके नीचे है डीप स्लेट और गाइज डीप स्लेट के नीचे कोल है। एंड गाइज जब मैंने अगली लेयर देखी तो वहां पर एक बार फिर से डीप स्लेट था और अगली लेयर के अंदर एक बार फिर से हम लोग को आयरन मिल चुका था, जिसका मतलब है गाइज कि अब हम लोग को शायद आयरन फार्म नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास भर भर कर बहुत सारा आयरन आ जाने वाला है। बस मैं प्रे करूंगा कि वो लेयर चेंज ना हो जाए किसी घटिया ब्लॉक की लेयर से। एनीवे फटाफट से मैं सारे के सारे ब्लॉक्स को माइन कर निकाल लेता हूं इससे पहले कि कोई बेकार सा ब्लॉक यहां पर आ जाए, और उसके बाद मिलता हूं आप लोगों से ओवरवर्ल्ड के अंदर। एंड गाइज एक बार फिर से हम लोगों ने आयरन वाला फेस खत्म कर लिया और यहां पर मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स इकट्ठा हो चुके हैं। यहां पर मुझे एक और सरप्राइज मिला, यहां पर गाइज था एक स्पॉनर जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रेक कर दिया और यहां पर मैं अचानक से गिर जाता हूं। इसके बाद मेरे को काफी सारी मॉब से फाइट करनी पड़ी और क्रीपर भी फट जाता है अचानक से, और यहां आप लोग देख सकते हो कितनी सारी मॉब्स एक साथ यहां पर आ चुकी हैं। सीरियसली मेरे को स्केलेटन्स को मारने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन हमारे पास डायमंड का आर्मर था इसलिए उतनी भी मुश्किल नहीं है, मैंने इन मॉब्स को इजीली मार दिया। अब मेरे को ऊपर की तरफ जाकर देखना पड़ेगा उस चेस्ट के अंदर आखिर कैसी लूट है, क्योंकि यहां पर स्पॉनर था जिसको बड़ी मुश्किल से मैंने ब्रेक करा। यहां पर क्रीपर के फटने की वजह से सारे ब्लॉक्स तहस नहस हो चुके हैं, ऊपर की तरफ एक बड़ा सा होल भी खुल चुका है। लेकिन फटाफट से अभी हम लोग लूट चेकआउट करते हैं और गाइज इस लूट के अंदर देखना होगा हमें क्या मिलने वाला है, लेट्स सी। और गाइज यहाँ पर सिर्फ एक गोल्डन एप्पल था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, इतनी बेकार लूट है सीरियसली। लेकिन अभी हम लोग को जल्दी से जाना है गाइज और विलेज ढूंढना है, क्योंकि विलेज इस लेयर के एकदम नीचे ही है और ये चिकन बेचारा यहाँ पर अकेला फंसा हुआ था। सो अभी गाइज होने वाला है इस वन चंक का सबसे बड़ा प्रोग्रेस, क्योंकि यहाँ पर नीचे जाकर मैंने डिस्कवर कर लिया है गाइज एक विलेज। फाइनली हम लोग को इस वर्ल्ड का पहला विलेज मिल चुका है और इस चंक के अंदर सिर्फ एक ही विलेज है, इसके अंदर 3 विलेजर यहाँ पर स्पॉन हुए हैं। मेरे को इन विलेजर्स को जल्दी से गाइज लाइब्रेरियन बनाना है और इनके पास से एन्चांटमेंट्स लेने हैं और फटाफट से अपने आर्मर और टूल्स पर अप्लाई करने हैं। सीरियसली यार इन विलेजर्स के अलावा यहाँ पर एन्चांटमेंट का कोई और रास्ता बिल्कुल नहीं है। और गाइज किसी भी तरह से विलेजर्स से फॉर्च्यून 3 लेने के बाद मैं पिकैक्स पर लगाऊंगा और उसके बाद इन सारे ओर्स को माइन करूंगा, क्योंकि फॉर्च्यून 3 से माइन करने पर मेरे को मिलने वाले हैं बहुत सारे गेन्स। और गाइज फाइनली कुछ देर ग्राइंड करने के बाद मेरे को काफी ज्यादा ऑसम एन्चांटमेंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं। मैंने तीनों विलेजर्स को लाइब्रेरियन बना दिया और आप लोग देख सकते हो विलेजर के ठीक नीचे वाली लेयर के अंदर यहाँ पर बुकशेल्फ की लेयर थी। और गाइज मैं ऊपर गया, इतनी मेहनत करी मैंने लेयर ढूंढने के लिए, लेकिन यहीं पर लेयर मिल चुकी थी। और आप लोग देख सकते हो मैंने सारे के सारे विलेजर्स को यहाँ पर एन्चांटमेंट्स दे दिए हैं, इसके पास पावर 5 है। और गाइज
इसके पास यहाँ पर मेरे को सेल्टस मिल चुका है एंड गाइस फाइनली लास्ट विलेजर के पास में मुझे मिल चुका है फॉर्च्यून 3 जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब मैं इसे फॉर्च्यून 3 की बुक खरीद लेता हूँ और फटाफट से अप्लाई कर लूंगा गाइस मैं अपनी पिकैक्स के ऊपर। अभी इसके साथ साथ मैं सिल्क टच और पावर 5 की बुक भी लेने वाला था क्योंकि मेरे को एक पावर 5 का बो भी बनाना है। जब हम लोग एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे तो पावर 5 का बो काफी ज्यादा काम आने वाला है। सो यहाँ पर मैंने अपना ऑसम सा एनविल क्राफ्ट कर लिया है, फटाफट से टाइम है अपने पिकैक्स के ऊपर फॉर्च्यून 3 लगाने का। और गाइस फॉर्च्यून 3 लगाने के बाद मैं सारे के सारे ओर वाली लेयर्स को माइन करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ आप लोग को एंड में कि मेरे पास कितने सारे ओर्स कलेक्ट होते हैं। वहाँ पर एमरल्ड है, लैपिस है, डायमंड है और बहुत सारी ऑसम लूट है। और गाइस मैं आ चुका हूँ फाइनली अपनी डंजन के अंदर। अब फटाफट से गाइस सारे के सारे ओर्स को माइन करना शुरू करते हैं, इसके अंदर बहुत मजा आने वाला। और फॉर्च्यून 3 के आप लोग गेन्स देख रहे हो, सीरियसली यार यहाँ पर 4-4, 5-5 एमरल्ड मेरे को एक बार में मिल रहे हैं। सो फिलहाल माइनिंग कंप्लीट करने के बाद अपने विलेजर्स के लिए मैं बनाने वाला हूँ एक ऑसम सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल। तो गाइस फटाफट से अपना ट्रेडिंग हॉल भी बनाना शुरू करते हैं। और गाइस फाइनली हमारा ऑसम विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी हो चुका है और उसके अंदर मैंने विलेजर्स को भी ट्रांसपोर्ट कर दिया है। अभी फिलहाल मैं कुछ मॉब्स को यहाँ पर मार देता हूँ, उसके बाद आप लोग को यहाँ के ड्रॉप्स दिखाने वाला हूँ। और गाइस फाइनली मैं टूट देने वाला हूँ अपने ऑसम विलेजर ट्रेडिंग हॉल का। यहाँ पर विचेस स्पॉन हो चुकी हैं जो कि मरने में काफी ज्यादा टाइम ले रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी लूट गैदर हुई है। और गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने कम टाइम के अंदर इतना सारा गन पाउडर अपने पास जमा हो चुका है। अभी गाइस फटाफट से चलते हैं और देखते हैं अपना ऑसम विलेजर ट्रेडिंग हॉल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो राइट साइड में मैंने एक ट्रेडिंग हॉल बनाया है, वहां पर मैंने डायमंड के ब्लॉक्स का भी यूज करा है और गाइस उसके अंदर फिलहाल मैं 2 विलेजर्स को लेकर आ चुका हूं। और गाइस उसके साथ साथ मैंने बनाया है एक जायंट सा वीट फार्म और 2 ट्री फार्म, जिसके अंदर एक ट्री फार्म के अंदर लगाई है मैंने स्प्रूस की ट्रीज और दूसरे ट्री फार्म के अंदर लगाई है मैंने बहुत सारी ओक ट्रीज। और गाइस यहां पर है वो सारी की सारी लूट जो इतने सारे ओर्स को माइन करने के बाद फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स से हम लोग को मिली है। सीरियसली यार बहुत सारी लूट जमा हो गई है अपने पास और अब इस वर्ल्ड के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। अभी गाइस फटाफट से चलते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर और मैं आप लोग को जाकर दिखाता हूं कि यहां पर कितने विलेजर्स हैं और उन लोग के पास क्या क्या रेट्स हैं। आप लोग देख सकते हो यहां पर 2 विलेजर्स हैं और एक विलेजर तो मेरे को दिख रहा था और दूसरा विलेजर व्हाट गाइस दूसरा विलेजर यहाँ पर अपने ट्रेडिंग हॉल के बाहर था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो वहाँ कैसे पहुंचा। और यहाँ पर मैंने हर जगह ग्लास पेन्स वगैरह चेक करी अच्छे से, मैंने प्रॉपर्ली सब कुछ लगा रखा है, फिर भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो विलेजर पीछे की तरफ कैसे पहुंच गया। मतलब हद है यार, मैंने सारी की सारी ग्लास पेन्स यहाँ पर डबल चेक करी कि अच्छे से लगाई हैं या फिर नहीं लगाई, फिर भी पता नहीं वो विलेजर बाहर कैसे पहुंच गया। और ये देखो जरा कुछ ही देर बाद ये वापस भी आ चुका है अपनी पोजीशन पर और यहाँ पर अटक चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, इन लोग को मैं फटाफट से काफ़ी सारे ब्रेड्स देता हूँ जिससे ये लोग ब्रीडिंग करना शुरू कर सके। और यहाँ पर इतने सारे ब्रेड्स हैं तो गाइस थोड़ी ही देर के बाद यहां पर बहुत सारे विलेजर्स जमा हो जाने वाले हैं, ये लोग दबा के ब्रीडिंग करने वाले हैं। हम लोग चलते हैं वापस से माइनिंग की जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं। अभी नीचे विलेज के अंदर क्या हाल चल रहा है वो चलकर देखो यार। सीरियसली यहां पर विलेजर्स के मजे आ चुके हैं। एक बार फिर से विलेज के नीचे वाली लेयर चेंज हो चुकी है गोल्ड ब्लॉक्स के अंदर। अभी यहां पर कुछ टाइम पहले ग्रास ब्लॉक्स हुआ करते थे अगर आप लोग को याद हो तो, और विलेजर्स हो चुके हैं बहुत ज्यादा अमीर। और इसके नीचे वाली लेयर्स अभी भी वैसे की वैसी इंटैक्ट है। नीचे आप लोगों ने देखा होगा वहां पर बहुत सारी बुक्स वाली लेयर है और गाइस उसके बाद क्वार्ट्ज की लेयर है और होपफुली अब नेदर वाला यहां पर फेस शुरू होने वाला है। तो गाइस जल्दी से हम लोग माइनिंग कंटिन्यू करते हैं, मैं यहाँ से बुक शेल्स को माइन करके निकाल लेता हूँ और गाइस उसी के साथ साथ मैं इसके नीचे वाली लेयर को भी माइन करूंगा और देखते हैं कि नीचे कितनी सारी नई लेयर्स हम लोग को मिलने वाली है। तो गाइस जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर नेदर वाला फेज शुरू हो चुका है, यहाँ पर हम लोग को वाट मिल चुकी है और गाइस इसके साथ यहाँ पर श्रूम लाइट मिल चुकी है और गाइस इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से वार्प वुड मिल चुकी है और इसके बाद यहाँ पर नेदर ब्रिक्स। तो गाइस फटाफट से नेदर वाला फेज मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। और गाइस सीरियसली यहाँ पर इतना पहले हम लोग को नेदराइट भर भर के मिल चुका था और मुझे अब याद आ रहा है मैंने फटाफट से पूरा का पूरा आर्मर अपना नेदर
नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। फाइनली हमारे पास पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर आ चुका है, जिसे मैं जल्दी से पहन लेता हूँ। और गाइज हम लोग कवर हो चुके हैं पूरे के पूरे नेदरराइट के अंदर। और गाइज इसी के साथ साथ मैं अपनी टूल्स को भी नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट करने वाला, और उसके बाद हम लोग जल्दी से एन्चेंटमेंट्स लेना शुरू करेंगे। सो गाइज फटाफट से पूरे के पूरे नेदर फेस को मैं माइन कर लेता हूँ। यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है माइनिंग के अंदर, लेकिन गाइज नेदर फेस को माइन करते मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए बहुत ही ज्यादा ऑसम जायंट सा स्टार्टर बेस, जो कि दो प्लेयर का सर्वाइवल बेस होने वाला है। उसके अंदर दो से ज्यादा प्लेयर इजिली रह सकते हैं। तो गाइज फटाफट से पूरा का पूरा सर्वाइवल बेस बनाता हूँ मैं, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। फाइनली गाइज नेदर फेस की माइनिंग हो चुकी है खत्म, और मैंने अपने लिए बना लिया एक बहुत ही ज्यादा ऑसम स्टार्टर हाउस। और पूरी की पूरी अभी ब्लॉक्स को फिल करना रहता है बाकी, लेकिन यहाँ पर स्टार्टर हाउस बनकर एकदम रेडी हो चुका है। और अब टाइम है आप लोग को उसका एक छोटा सा टूर देने का। सामने की तरफ अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल है, वो हमारा क्रीपर फार्म है, मॉब ग्राइंडर है। और यहाँ पर देखो आप लोग, मैंने एक और बहुत ऑसम चीज करी है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने अपना पूरा का पूरा नेदरराइट आर्मर एन्चांट कर लिया। यस गाइज यहाँ पर विलेजर्स की आबादी हो चुकी है बहुत ज्यादा जबरदस्त, और इन लोग के पास है बहुत ही ज्यादा ऑसम एन्चांटमेंट्स। मैंने सारे एन्चांटमेंट्स लेकर अपने आर्मर को भी एन्चांट कर लिया, अपने टूल्स को भी एन्चांट कर लिया है अभी, लेकिन थोड़ा सा एन्चांटमेंट्स लगाना बाकी है अपने टूल्स के ऊपर। तो फटाफट से अपनी बची हुई टूल्स के ऊपर सारे एन्चांटमेंट्स लगा लेते हैं। और यहां पर मेरे पास है गाइस एफिशिएंसी 5, शार्पनेस 5 और गाइस अनब्रेकिंग 3 जैसे ऑसम एन्चांटमेंट्स। तो फटाफट से मैं अपनी स्वॉर्ड पर लगा लेता हूं शार्पनेस 5, अपनी पिकैक्स पर मेरे को लगाना है यहां पर एफिशिएंसी 5, और गाइस उसी के साथ हमारे पास आ जाती है बहुत ज्यादा ओपी टूल्स। अभी गाइस अपने स्टार्टर हाउस के मैंने इंटीरियर्स बिल्कुल डिजाइन नहीं करे हैं, अंदर से एकदम खाली पड़ा है, बस मैंने लाइटिंग कर दी जिससे यहां पर मॉब्स वगैरह स्पॉन ना और क्रीपर हमें सरप्राइजेस ना दे, और ऊपर वाला फ्लोर भी एकदम खाली पड़ा है। लेकिन गाइस इस वाले बिल्ड का डिजाइन काफी ज्यादा ऑसम है। यहां पर पीछे की तरफ मैं फ्यूचर में एक बहुत ज्यादा ऑसम नेदर पोर्टल इनकॉर्पोरेट करने वाला हूं, जो कि बहुत ऑसम लगने वाला है। और गाइस आगे की तरफ से आप लोग देख सकते हो एकदम सिंपलिस्टिक सा डिजाइन है। यहां पर बाउंड्री के नाम पर मैंने ग्लास पेंस लगाई है, जो कि काफी कूल लग रही है इस बिल्ड के साथ में। सो गाइस अभी टाइम है अगली लेयर का, और अगली लेयर आ चुकी है यहां पर ऑब्सिडियन ब्लॉक्स की, और उसके बाद शुरू होने वाला है ओशन वाला फेज, जहां पर हमें प्रिज्मरीन ब्लॉक्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो फटाफट से गाइस यहां पर मैं काफी सारा ऑब्सिडियन माइन करना शुरू कर देता हूं। आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ यहां पर प्रिज्मरीन ब्लॉक्स हैं, और उसके साथ में यहाँ पर स्पॉन्ज वाले ब्लॉक्स भी हम लोग को मिलने वाले हैं। एंड गाइस फटाफट से यहाँ पर मैं काफी सारा ऑब्सिडियन माइन कर लेता हूँ, और ऑब्सिडियन माइन करने के बाद जल्दी से हम लोग नेदर पोर्टल बनाएंगे और चलने वाले हैं हम लोग नेदर के अंदर। सो गाइज अपने स्टार्टर बेस के पीछे के हिस्से में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नेदर पोर्टल बनाकर फिट कर दिया, और यहाँ पर इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। फटाफट से चलते हैं गाइज नेदर के अंदर और जाकर देखते हैं क्या सरप्राइज हमारा वेट कर रहा है। एंड गाइज जैसे मैं नेदर के अंदर आया ना, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि नेदर भी इस वर्ल्ड के अंदर हमारा सिंगल चंक का बना हुआ है। गाइज पूरा का पूरा नेदर सिर्फ एक चंक के अंदर समाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और नीचे नेदर फोर्ट्रेस भी आप लोग को हल्की सी अभी दिखी होगी। इसी चंक के अंदर हम लोग को नीचे की तरफ फटाफट से माइन करना, और जाना है जल्दी से नेदर फोर्ट्रेस के अंदर, और फटाफट से गाइज काफी सारे ब्लेजेस को मारकर ब्लेज रॉड्स लेकर आनी है। और गाइस फाइनली मैं नेदर फोर्ट्रेस तक पहुंच चुका हूं, और नीचे मेरे को ब्लेजेस दिखने शुरू हो गए, और ब्लेज ने मेरे ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया। और गाइस यहां पर मैं नीचे गिर जाता हूं। अभी यार यहां पर इतने सारे ब्लेजेस थे ना, और चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला हो रहा था, मैं एक एक करके सारे के सारे ब्लेजेस को मार रहा था, और यहां पर पिगलेंस ने अलग अटैक करना शुरू कर दिया था। और गाइस हद तो तब हो जाती है जब मैं गलती से यहां पर ज़ॉम्बीफाइड पिगलेंस पर अटैक कर देता हूं, और सारे के सारे मुझे स्वार्म कर लेते हैं और चारों तरफ से अटैक करना चालू कर देते हैं। काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी फाइट, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं यहां से इस वाले स्पॉनर को डिलीट कर देता हूं, और मैंने स्पॉनर को तोड़कर निकाल दिया। और गाइज यहां पर अब मैंने अटैक करना शुरू कर दिया सारे ब्लेजेस के ऊपर। यहां पर गाइज मुझे काफी केयरफुली इन लोग को मारना पड़ेगा, और गलती से यहां पर मैं ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन पर अटैक कर देता हूं। ये सारे के सारे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके हैं। सीरियसली यार यहां पर काफी इंटेंस हो गई है फाइट। मैं बाहर निकलने का भी ट्राई करता हूं, लेकिन नहीं निकल पाता हूं। अब तो या तो मैं यहां पर मरने वाला था, या फिर अपने 100 डेज होने वाले थे बहुत ज्यादा एपिक। तो
मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर रहकर अच्छे से फाइट लूंगा इन लोगों से और सबको मिलकर ईजिली मारूंगा, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है इन लोग को मारना। मेरे को बिल्कुल पता नहीं है मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है इस फाइट के अंदर। मैं कंटिन्यूसली सबको मार रहा था और मेरी हेल्थ कम होती जा रही थी। एंड गाइस, सारे के सारे ज़ॉम्बीफाइड पिलियंस तो यहाँ पर निबट चुके हैं, बस कुछ यहाँ पर ब्लेजेस बचे हैं जिन्हें मेरे को केयरफुली मारना पड़ेगा। दो तीन ब्लेजेस बचे हैं तो फटाफट से मैं उन सारे ब्लेजेस को मार देता हूँ और ब्लेज रॉड के साथ साथ कलेक्ट कर लेता हूँ। और फाइनली गाइज, हमने इतनी इंटेंस फाइट सर्वाइव कर ली है। अभी यहाँ से मैं ब्लेज रॉड्स लेकर और नेदर वॉर्ड लेकर फटाफट से ओवरवर्ल्ड के अंदर जाने वाला हूँ। और इसी के साथ टाइम आ चुका है फटाफट से एंड डायमेंशन में जाने का और एंडर ड्रैगन को बीट करने का। एंड गाइज, यहाँ पर बचा है आखिरी ब्लेज और ये हो चुका है आखिरी ब्लेज भी खत्म, और यहाँ पर दो ब्लेज और बचे हैं। मतलब यार हद, इतने सारे ब्लेजेस आते जा रहे हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम लोग इन्हें फटाफट से निपटाते हैं। एंड गाइज, फाइनली सारी मॉब्स को मैंने निपटा दिया है और सीरियसली यार यहाँ पर इतनी हालत खराब हो गई थी, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा मैं जिंदा कैसे बच गया। और ये देखो जरा, इस वाले फ्लोर के नीचे भी कितनी सारी मॉब्स हैं। नीचे गाइज विदर स्केलेटन्स का पूरा झुंड वेट कर रहा है। अगर मैं नीचे गया ना तो काम तमाम हो जाने वाला है मेरा। मैं नीचे बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ, फटाफट से यहाँ से निकल रहा हूँ, ओवरवर्ल्ड के अंदर जाकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो फाइनली आ चुका मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर। फाइनली जितने भी एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे करने वाले हैं जल्दी से स्किप कर माइन। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ऑब्सीडियन माइन करा था। अब फटाफट से सारे के सारे बेकार ब्लॉक्स को माइन करते हैं और चलते हैं गाइज जल्दी से एंड डायमेंशन के अंदर। फाइनली बहुत देर ग्राइंडिंग करने के बाद और काफी टाइम की मेहनत के बाद हमने अपना बेस काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है। आप लोग देख सकते हो इस साइड मैंने बनाया एक जायंट सपेन जिसके अंदर बहुत सारी शीप हैं, और गाइज इस साइड बनाया एक और जायंट सपेन जिसके अंदर यहाँ पर काफी सारी काउज हैं। और गाइज पिग्स को मैंने अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे पिग्स को निपटा दिया क्योंकि हमें उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर गाइज मैंने बनाया एक बहुत ऑसम सा नेदर पोर्टल। अभी गाइज नेदर पोर्टल वाली फुटेज हो चुकी है लॉस्ट, जिसका टाइम लैप्स के अंदर आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये नेदर पोर्टल बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी और काफी ऑसम डिजाइन है। सो गाइज अभी चलते हैं नीचे की तरफ अंडरग्राउंड, मैं आप लोग को दिखाता हूं एक और ऑसम चीज। जस्ट हैव अ लुक गाइज, एक और लेयर फाइनली चेंज हो चुकी है। सारा का सारा कंक्रीट माइन करने के चक्कर में जब मैं नीचे वाली लेयर पे पहुंचा तो ये नेदराइट बन चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम बात है। अब हो सकता है हम लोग नेदराइट का भी फुल्ली पावर्ड बीकन बना पाए। और यहां पर मेरे को डायमंड ब्लॉक्स की भी लेयर दिख चुकी थी और कुछ और ऑसम लेयर्स। यहां पर एंडर चेस्ट की लेयर थी, फिलहाल मेरे पास सिल्क टच नहीं है लेकिन मैं लेने वाला हूं। लेकिन ऑसम चीज यहां पर है, देखो यार सीरियसली बिना एंडर ड्रैगन को मारे हमारे पास पहले यहाँ पर बीकन आ चुका है। वैसे तो वेदर को मारकर हम पहले ही बीकन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यार काफी ऑसम बात है, हम लोगों ने वर्ल्ड के अंदर अभी 100 डेज पूरे सरवाइव भी नहीं करे और हमारे पास बीकन पहले ही आ चुका है। सो गाइस, इन दो लेयर्स के ठीक नीचे है हमारा एंड पोर्टल। एंड आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं एंड पोर्टल के अंदर। जल्दी से मैं सारे के सारे स्पॉनर्स को तोड़कर निकाल देता हूं क्योंकि सिल्वर फिश मेरे को बहुत ज्यादा अनोइंग लगती है, और इसके बाद बची कुची सिल्वर फिश को मैं फटाफट से मार दूंगा। और गाइस फटाफट से जाने वाले हैं हम लोग एंड डायमेंशन के अंदर और मारने वाले हैं एंडर ड्रैगन को। सो यहां पर काफी सारे गोल्डन एप्पल और आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करके लाया था क्योंकि मेरे को पता है एंड डायमेंशन के अंदर कुछ भी हो सकता है और हम लोग को काफी सारे फूड की जरूरत पड़ने वाली है। और यहां पर मैं कर रहा हूं एंड पोर्टल एक्टिवेट। अभी गाइज एज यूजुअल जाना है एंड डायमेंशन के अंदर, एंडर ड्रैगन की करनी है बहुत ज्यादा पिटाई। और गाइज मैं फाइनली आ चुका हूं एंड डायमेंशन के अंदर। फटाफट से यहां पर मैं एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता हूं, एक के बाद एक सारे एंड क्रिस्टल्स को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और फटाफट से एंडर ड्रैगन पर अटैक करना शुरू करूंगा। सो एंड क्रिस्टल्स डिस्ट्रॉय होते ही मैंने एंडर ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये आराम से यहां पर आकर बैठा हुआ है, इसको पता भी नहीं है सीरियसली इसके पीछे से हम लोग उसका अटैक कर रहे हैं और पूरा का पूरा इसको मार देने वाले हैं। एंड गाइज जैसे ही एंडर ड्रैगन उड़ा मैंने अपने एरोज से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। और गाइज ये काफी वियर्ड मूवमेंट होता है एंडर ड्रैगन का, इस पर एम करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कई बारी। और एक बार फिर से एंडर ड्रैगन नीचे आ चुका है, जिसका मतलब है अब हमारे पास चांस है इस पर अटैक करने का और इसकी हेल्थ काफी ज्यादा नीचे ले जाने का। एंड आप लोग देखो यार शार्पनेस 5 की स्वॉर्ड के साथ में एंडर ड्रैगन की हेल्थ कितनी तेजी से नीचे जा रही है। अब बस कुछ ही टाइम की बात है और एंडर ड्रैगन फाइनली निपट जाने वाला है। इसके बाद जल्दी से हम लोग आउटर एंड के अंदर जाकर इलाइट्रा भी लेकर आने वाले हैं। एंड फाइनली गाइज यहाँ पर एंडर ड्रैगन निबटने ही वाला है, उसकी बस एक या दो हिट की हेल्थ बची है और ये एक एंड ये दो। एंड गाइज फाइनली एंडर ड्रैगन मर चुका है और एंड को हमने फ्री कर दिया है। अभी गाइज फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे मैं जाने वाला हूँ आउटर एंड के अंदर और वहां से लेकर आने वाला हूँ इलाइट्रा।
सो गाइज हम लोग आ चुके हैं आउटर एंड के अंदर और मैं टावर अप कर रहा हूँ सीधे एंड चिप के ऊपर। वहां पर हम लोग जाने वाले हैं ऊपर की तरफ, जल्दी से लेकर आने वाले हैं इलाइट्रा। और फाइनली हम लोग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड चिप पर पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से मैं भाग रहा हूँ अंदर की तरफ क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी हम लोग को अपना बेस भी पूरा करना है और चारों टाइप के बीकन्स बनाने हैं। यस गाइज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग को नेदराइट का बीकन बनाना है, डायमंड का बीकन बनाना है और गाइज गोल्ड और आयरन का भी बनाना है या फिर एमरल्ड ब्लॉक्स का। चार या पांच डिफरेंट टाइप के बीकन्स मैं बनाने वाला हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले और सीरियसली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइज फाइनली एंडर ड्रैगन को बीट करने के बाद मैं आ चुका हूँ ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस। अपने विलेजर्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और अब मैं बनाने वाला हूँ चार या पांच अलग टाइप के बीकन्स। मेरे पास भर भर के नेदरराइट ब्लॉक्स हैं और डायमंड ब्लॉक्स हैं और गाइस उसी के साथ एमराल्ड ब्लॉक्स भी बहुत सारे हैं। तो यार हमारे 100 डेज होते हैं यहीं पर कंप्लीट। आई होप आप लोग को ये लेयर चेंजिंग चंक वाली वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूं और आप लोग एंजॉय करो ये ऑसम सा टाइम लैप्स जिसके अंदर मैं बनाने वाला हूं नेदरराइट का कंप्लीटली फुल्ली पावर्ड बीकन और उसके साथ साथ तीन या चार डिफरेंट डिफरेंट तरह के बीकन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.